हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आज हम आपको ब्लीच के बारे में बताएंगे। ब्लीच फेस पे कितनी फ़ायदेमंद है और कौन सी स्किन पे कैसी ब्लीच करनी चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्रीम की ब्लीच को लिया है। क्रीम इसमें दो चीज़ें होती है, एक क्रीम और एक एक्टिवेटर होता है जो हमारे फेस के हेयर्स को ब्राउन करता है। तो हमें इतनी ही क्वांटिटी में ब्लीच क्रीम लेनी है दोस्तों, जितनी हमारे फेस पे कवर हो जाए अच्छे से, और उसका मतलब पांचवा हिस्सा आपको, जितनी क्रीम लेनी है उसका पांचवा या छठा हिस्सा ही आपको एक्टिवेटर लेना, ऑफ यानी कम। तो हमने एक्टिवेटर लिया है, चुटकी भर ही एक्टिवेटर लेना है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है इसका पांचवा या छठा हिस्सा ही कम करके एक्टिवेटर लेना है। वो फिर उसके बाद में इस पेस्ट को अच्छे से तैयार कर लेना है। और आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आप जिस भी स्किन पे ये ब्लीच लगाते हैं तो उस स्किन को अच्छे से मतलब क्लीन कर लें। चाहे फेस वॉश कर सकते हैं और क्लीजिंग से भी वॉश कर सकते हैं। क्लीजिंग से हल्के हाथों से 2 मिनट के लिए मसाज कर दें ताकि जो भी डस्टिंग है वो अच्छे से निकल जाए और ब्लीच का अच्छे से रिजल्ट दिख जाए। अब हमने ब्रश की सहायता से इस पेस्ट को तैयार कर लिया है। अगर तैयार नहीं करेंगे तो ये एक्टिवेटर जो डाला है वो जहाँ पे लग गया तो वहीं हमारी स्किन को जला देगा। तो क्रीम में उतना ही ये रिजल्ट देगा जितना हमें हमारी स्किन को नीड होती है। तो सबसे पहले नोज पे लगाना है दोस्तों, नोज के आसपास का जितना एरिया होता है और आइज़ के नीचे एक उंगली रख के इतनी जगह स्पेस को छोड़ देना है। उस स्पेस के छोड़ने के बाद नीचे की तरफ करते हुए गुलाई गुलाई में ऊपर की तरफ हमें ब्लीच को कंप्लीट करते जाना है। आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों, अगर क्लाइंट के फेस पे पिंपल्स हैं, रेसिज पड़े हुए हैं पिंपल्स के और किसी भी प्रकार का कट है, तो आपको उस एरिया में ब्लीच नहीं करनी। आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। अगर हमारी स्किन बिल्कुल ड्राई है तो उसके ऊपर हमने क्लिंजिंग से या कच्चे दूध से हल्के हाथों से 2 मिनट के लिए मसाज कर देनी है। उसके बाद आप अच्छे से ब्लीच को कवर कर सकते हैं, फिर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। क्योंकि ये जो क्रीम ब्लीच होती है और ये हम तैयार करते हैं एक्टिवेटर, तो हमारी स्किन जितनी भी डस्टिंग है उसको टाइट करके खींचता है। तो पहले से अगर स्किन में ड्राइनेस है तो प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा ड्राई हो जाती है और खिंचाव हो जाता है, इचिंग हो जाती है, क्लाइंट को प्रॉब्लम हो जाती है, रेडिश पड़ जाते हैं और काफ़ी सारी परेशानियाँ हो जाती है दोस्तों। अगर एक बार स्किन में रेडनेस आ जाती है तो वो टाइम लगा करके ही ठीक होती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ भी जाती है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, तो आपको सबसे पहले क्लाइंट को एस्ट्रोजन लगा देना है। एस्ट्रोजन के बाद अगर 5 या 10 मिनट के अंदर आराम नहीं मिलता तो उसके बाद आइस से पूरे फेस को कवर कर देना है। आइस से ही आराम आ जाता है दोस्तों, क्योंकि ये एक्टिवेटर गर्म होता है जो स्किन की जो भी डल स्किन है उसको जला करके अच्छे से रिमूव करता है। तो बर्फ़ जो होती है एक बार ठंडी होती है और ठंड से वो अच्छे से कवर हो जाती है, हमारी स्किन कंप्लीट कवर हो जाती है किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है। तो हमने बातों बातों में ही इनके फेस को कंप्लीट कर दिया है और अब इनके नेक के एरिया को कंप्लीट कर देंगे। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है दोस्तों, अगर ब्लीच लगाने के बाद फूलती है तो दोबारा से उसको कवर कर देना है ताकि कोई भी एरिया इनकम्प्लीट ना रहे, कंप्लीट हो जाए और किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आपको दिखाऊंगे मैं ब्लीच का। ओनली ब्लीच से ही इनके फेस पे इतनी ज़बरदस्त ग्लो आ गई थी, ये बहुत खुश होकर के गए थे। तो आप देखना इतना अच्छा रिजल्ट है, आपको भी इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों कि अच्छा रिजल्ट ही क्लाइंट को देना है। अगर जो भी बिगनर्स हैं, काम सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं इस चैनल पे बताती हूँ। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
और जो भी आपको जिस प्रकार की वीडियो आप लोगों को सीखनी है, हेल्प की नीड है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, उससे रिलेटिव मेरी वीडियो बनाती रहूँगी। अब इनके नीचे का जो एरिया है यानी गर्दन का जो एरिया है उस पे हम ब्लीच को कवर करेंगे और ब्लीच को कवर करते हुए ही अच्छे तरीके से रिमूव करेंगे बाद में, तो रिजल्ट आने के बाद ही रिमूव करना है। इसका भी चेकअप मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी देर में और किस तरीके से ब्लीच हो जाती है। तो अब बैक एरिया में लगाएंगे, ये ब्लैक निशान इनके मैंने हेयर कलर किया था तो उसके निशान पड़े हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्लीच अच्छे से कवर कर देगी, रिमूव कर देगी। और ऐसी प्रॉब्लम है तो आप डिटॉल से रिमूव कर सकते हैं, डिटॉल से जो ये कलर का जो कलर अपना कलर रंग छोड़ देता है तो उससे आप डिटॉल से रिमूव कर सकते हैं, डिटॉल अथवा थी रिमूव कर देता है उस एरिया को। तो बैक एरिया में भी हमें जिस प्रकार क्लाइंट को नीड होती है उसी अकॉर्डिंग हमें कवर करते जा रहे हैं। और आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कितने अच्छे तरीके से ये पेस्ट तैयार करके ब्रश की सहायता से हम अच्छे से लगा रहे हैं। अगर हाथों से लगाएंगे तो हाथ हमारे जल जाते हैं, क्योंकि ये एक्टिवेटर और क्रीम मिल करके जो एरिया में डस्टिंग है उसको जला करके अच्छे से रिमूव करता है और बाहर निकाल देता है, और स्किन का टेक्सचर ही अलग हो जाता है। बहुत अच्छा रिजल्ट दिख रहा है दोस्तों, इनका बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा, देखना। तो ऐसे ही मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहना, कंप्लीट वीडियो देखने के लिए लास्ट तक बने रहना, वीडियो को कट मत करना। देखो जिस एरिया में ये फूल गई थी क्रीम, उसको मैं अच्छे से पेस्ट को अच्छे से मर्ज कर रही हूँ स्किन के अंदर, ताकि अच्छा और उभर के रिजल्ट आए। इतना अच्छा रिजल्ट आ गया था इनका दोस्तों, लास्ट तक देखना और ज़बरदस्त रिजल्ट आपको दिखाऊंगी और आप खुश होएंगे और आपको बेहिचक सीखने को काम मिलेगा। ऐसे ही अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी काम सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। और भी काफ़ी सारी वीडियो मेरे चैनल पे हेयर से रिलेटिव भी हैं और फेशियल की भी हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो हैं इस चैनल पे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपके पास पहुंच जाए। बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे करें दोस्तों। देखो इनके कंप्लीट हमने कर दिया है, जब 15 मिनट हो जाती है उसके बाद चेक करना है, चेक आपको उस एरिया पे करना है जिस एरिया में हेयर्स होते हैं। स्पेचुला से हम इनका चेक करेंगे, अगर स्किन के अकॉर्डिंग हेयर हमारे मिले हुए हैं, रिजल्ट है, तो आपको रिमूव कर देना है क्रीम को। अगर नहीं हुई है ब्लीच वैसे के वैसे हेयर्स हैं तो 5 मिनट और रख देना, कई बार जल्दी ही रिजल्ट आ जाता है, थोड़ी देर के लिए और रख देना। तो हम टिश्यू पेपर से इनको पोंछ देंगे। देखो सबसे पहले मैंने स्पेचुला से ही इनकी क्रीम को रिमूव किया है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा है, ज़्यादा क्रीम है, ये अच्छे से रिमूव करने के बाद, स्पेचुला से करने के बाद मेन जो ये निकल जाती है, थोड़ी बहुत रहती है, वो टिश्यू पेपर से अच्छे से निकल जाएगी। टिश्यू को गिल्ला ही करना है और ज़्यादा नहीं निचोड़ना, हल्का हल्का पानी उसमें रहना चाहिए, ताकि एक दो बार में ये अच्छे से रिमूव हो जाए और फेस पे हाथों हाथी रिजल्ट दिख जाए। ज़्यादा देर तक ब्लीच हमारे फेस पे रहनी नहीं चाहिए, इचिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, खारिश हो जाती है। कई बार क्लाइंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो उस टाइम आप एविल दे सकते हैं। देखो कितना अच्छा रिजल्ट दिख रहा है दोस्तों, कितना ज़बरदस्त रिजल्ट उभर के आए हैं इनको। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। जो भी पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो नई नई सीखने को मिलेगी। इनका ज़बरदस्त रिजल्ट मैंने आप लोगों को दिखाया दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना मेरी वीडियो कैसी लगती है, ज़रूर बताया करें आप, ताकि मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिले और अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर पहली बार आए हैं। तो देखो दोस्तों कितना अच्छा ज़बरदस्त रिजल्ट है, जो भी डस्टिंग थी वो अच्छे से रिमूव होकर के ग्लो आया इनके फेस पे
और ज़बरदस्त रिजल्ट उबर करके आया है। ऐसे ही हम नई नई वीडियो लेकर के आएंगे, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।